भाई और बहनों, जब मैं किसी विदेश यात्रा पर जाता हूं तो वहां भी जब सिख समाज के साथियों से मिलता हूं तो मन गर्व से भर उठता है। 2015 की मेरी कनाडा यात्रा आप में से कई लोगों को याद होगा, और दल्ला जी तो मैं मुख्यमंत्री नहीं था तब से जानता हूं। ये कनाडा के लिए 4 दशकों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली स्टैंड अलोन बायलेटरल विजिट थी, और मैं केवल ओटावा और टोरंटो ही नहीं गया था। मुझे याद है तब मैंने कहा था कि मैं वैंकूवर जाऊंगा और मैं वहां जाना चाहता हूं। मैं वहां गया, गुरुद्वारा खालसा दीवान में मुझे माथा टेकने का सौभाग्य मिला, संगत के सदस्यों से बहुत अच्छी बातें हुई। इसी तरह 2016 में जब मैं ईरान गया तो वहां भी तेहरान में भाई गंगा सिंह सभा गुरुद्वारा जाने का मुझे सौभाग्य मिला। मेरे जीवन का एक और अविस्मरणीय क्षण फ्रांस में नव शपेल इंडियन मेमोरियल की मेरी यात्रा भी है। ये मेमोरियल विश्व युद्ध के समय भारतीय सैनिकों के बलिदान के लिए उन्हें श्रद्धांजलि देता है, और इनमें भी एक बड़ी संख्या हमारे सिख भाइयों की थी। यह अनुभव इस बात का उदाहरण है कि कैसे हमारे सिख समाज ने भारत और दूसरे देशों के रिश्तों की एक मजबूत कड़ी बनने का काम किया।